हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों, दोस्तों अब हम यहां से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौड़ द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में कुमार में अभिनय करते हुए नजर आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की राउंड टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो इसके एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुड्ढा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों महामारी जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो हजार तीस को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों नील और उनकी कहानी विश्व निर्माण और उनका चरित्र चित्रण कलाकारों के एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाकन टेक्निकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों वही, दो, वही, दो, वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था, खास तौर पर लेकिन फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध दाव में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो की नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो प्रभाष के साथ जो जो है है अपने अगले जो है पे के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली बार जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो चौथी पे लगदार फिल्म में रबी बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्जवल जो है कुलकर्णी को और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो

फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वहीं दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगली भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सूरती हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर है कि निभाई है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था पृथ्वीराज शिव कुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहाँ पे सूर्ती हसन दो दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और शुरू के एक दृश्यों को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलार जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है टेक्निकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त बारह अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था ये भी रिपोर्ट बताया गया है मार्च 2022 में प्रभाष की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस सौ अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कथिक तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट त, सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभाव सूर्ति और फिर विभिन्न जो है, जो है यहां पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टंट कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वहीं दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो हजार के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्मा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ति हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है सहित यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दीर्डा प्रभाव के काम में लगभग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पर लिक को रोकने के लिए जो है सुरती हसन ने अगस्त दो के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और हिंदी में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफिक्स शॉर्ट अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल तेरह दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्टी और फिर जो है यहाँ पे गादोलस साउंड ऑफ यानी के सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडेड जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भाग वन सेज फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर अठारह दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को फिर आई पर रूपों में नाटक रूप से रिलीज किया गया और इसे कॉनॉट हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तिब्रा एक्शन दिवसो और फिर जो हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

27 के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे 27 सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और फिर जो है पारंग सिनेमा द्वारा संयुक्त तो रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही सिनेमा लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी कि मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन टेली फिल्म श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमास द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सहित जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बीत अधिकारों से 350 करोड़ हासिल किए थे जो यूश में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिजनी स्टार ने तेलुगु और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फिल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है 20 जनवरी 2024 को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि 5 फरवरी 2024 से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया सलार भागवन से फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है राजशाही के यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीग्रेटर वेबसाइटोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकलकर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो जो है है नॉन स्टॉप एक्शंस को को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता कि चीज़ों तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेठ के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है इंडिया टुडे की तरफ से जन्नी खे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे शौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विला के एस देव शंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील की तेलुगु डेब्यू किसे जो है मास्टर से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शानदार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज शो कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार स्टार्ट अपने स्टार यहां पे स्टार्ट वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है सीमित जो है इसकी बॉक्स ऑफिस और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा रेडीएफ के तरफ से मयूर सनअप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तथ्य को और अधिक जो है है और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका चौन के साथ जो है जोड़कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वही द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों मित जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पैंतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो यहाँ पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभाष और पृथ्वीराज शो कुमारन के दमदार अभिनय भाग भागवान युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेख के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि खुल सलार केवल जो है के प्रशंसकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं यह सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि टॉक हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभावित दस्तावेज जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आंखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल क्रेज़ा ने लिखा प्रभाष ने शानदार वापसी की इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें सो तो सलार वन सलार वन सीज फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल जिसका शीर्षक जो है सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पर शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में कि रंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख वाल दो की दूसरे छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेसन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि 2023 के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला तो आइए दोस्तों अब हम यहां से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौर द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में उनके कुमारन, हाशन इस फिल्म में में इस अभिनय करते हुए नजर आई थी वही दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की राउंड टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और ब्लॉक बास्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुढा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों हमारे जो है रीशूट और फिर जो है बी में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छ्यांकन को और फिर उज्जवल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के संगीत बैकग्राउंड स्कोर्ड छी पहलू और फिर आधुनिक राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों 270 करोड़ के बजट पर थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और दो की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन ई फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध दाओं में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो की नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो है प्रभाष के साथ जो है अपने अगले निर्देशन जो है यहां पे उपकर्मों के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली बार जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो है चौथी यहाँ पे लगदार फिल्म में रवि बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को कर्मश छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो में किया जाएगा जिसमें पहला जो है सिज़ फायर रखा जाएगा। वही दोस्तों को कास्ट इस, इस फिल्म में को कास्ट करने पर के अंदर और साथ ही साथ प्रभाष जो है अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखते हैं इस मासूमियत को बाहर निकालना और इसे जो है स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा मेरे लिए फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वही दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगल ही भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सुरती हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों आ, उन्होंने दोस्तों उन्होंने फिल्म में की भूमिका निभाई है जो कि 8 करोड़ यूज में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज शिव कुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहां पर सूर्ति हसन दो दिन बाद प्रोडक्शंस में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और श्रुति के एक दृश्यों को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलाट जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है तेकनिकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था ये भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कदे तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चलक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट त, सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू हुआ था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभात सूर्ति और फिर जो है विभिन्न जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टर्न कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वही दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्हा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ती हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है शहीद यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दीर्शा प्रभाव के काम में लगभग लग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पर लिक को रोकने के लिए जो है सूर्ति हसन ने अगस्त दो के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफ अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल तेरह दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्टी और फिर जो है यहाँ पे गादोलस साउंड ऑफ यानी कि सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडेड जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भागवन सीज फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को और फिर आई पर परारूपों में नाट्य रूप से रिलीज किया गया और इसे कर्नॉड हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तीब्रा एक्शन दिवसो और फिर जो हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

27 के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे 27 सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज़ और फिर जो है परत और सिनेमा द्वारा संयुक्त रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही शनिमाच लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी कि मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन टेली श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमास द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सही जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बीत अधिकारों से 350 करोड़ हासिल किए थे जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिज्नी स्टार ने तेलुगू और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है बीस जनवरी दो को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डॉप संस्करणों में किया गया था जो कि फ़ाइव फरवरी दो से अंग्रेजी डॉप संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस दिया सलार भागवं से इस फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीग्रेटर वेबसाइट पर बाइस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकल कर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो है नॉन स्टॉप एक्शंस को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता है जो कि चीज़ों को तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेठ के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पॉल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार के प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है इंडिया टुडे की तरफ से जन्नी खे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे शौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विल्ला के एस देव शंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील की तेलुगु डेब्यू किसी जो है मास्टर पीस से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है। फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है जुए कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बाध रखती है पृथ्वीराज कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार अपने स्टार यहां पे स्टार वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग सिर्फ फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है सीमित प्रदर्शन और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा के तरफ से मयूर सनअप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तत्व तो को और अधिक जो है महत्वाकांक्षाएं और टेक्निकी जो है यहां पे चका के साथ जो है जोड़ कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वहीं द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहां पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वही माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों ये मीत जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो है पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी टी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभास और पृथ्वीराज शोक कुमारन के दमदार अभिनय सलहार भागवान युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेख के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सलार केवल जो है प्रभास के प्रशंसकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं ये सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि डॉग हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है की पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभाव भावित जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आँखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल कुक रेजा ने लिखा प्रभाष ने शानदार वापसी की इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें सो तो सलार वन सलार वन से फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्ल जिसका शीर्षक जो सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पे शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में किरंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख 2025 की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि दो के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौर द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में प्रभाष उनकुन इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की रॉन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है पेस्ट शामिल था जहां पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों हमारे जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छयांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों नील के निर्देशन और उनकी कहानी विश्व निर्माण और उनका चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाया टेक्निकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं, दो, वहीं दोस्तों वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन नई फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वहीं नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो कि नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो है उपकर्मों के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहां पे अपनी जो चौथी यहां पे लगदार फिल्म में रवि बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो रिलीज किया जाएगा जिसमें पहला को करने पर ने कहा था कि मैं उनकी जो है को, को आकर्षित करना चाहता हूँ इस फिल्म के अंदर और साथ ही साथ प्रभाष जो है अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखते हैं इसी और इस मासूमियत को बाहर निकालना और इसे जो है स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा मेरे लिए फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वहीं दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक है, कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगली भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सूर्ति हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर सलाट टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों आ, उन्होंने दोस्तों उन्होंने फिल्म में की भूमिका निभाई है जो कि 8 करोड़ यूच में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज शिव कुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहां पर सूटती हसन दो दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेमाटोग्राफर भुवन गौडा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और श्रुति के एक दृढ़ को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलार जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है तेकनिकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था यह भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानबे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कथिक तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट त, सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू हुआ था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभाव सूर्ति और फिर विभिन्न जो है, जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टर्न कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वहीं दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त तो हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्हा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ति हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपाल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है सहित यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दृश्य प्रभाव के काम में लगभग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पर लिक को रोकने के लिए जो है सुरती हसन ने अगस्त दो के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और हिंदी में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार 10 दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफ अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरूट द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल 2 दिसंबर 2023 जार को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्टी और फिर जो है यहाँ पे गादोलस साउंड ऑफ यानी के सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडर जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 जार को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भागवन सिंह फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर अठारह दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को फिर आई मेक्स पर रूपों में नाट्य रूप से रिलीज किया गया और इसे कर्नॉड हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तिब्रा एक्शन दिवसों और फिर जो हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

सत्ताईस के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे सत्ताईस सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज मु और फिर जो है परत

विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सही जो है यहां पे गैर यानी कि थेटिक जो है वितरण अधिकारों से तीन करोड़ हासिल किए थे जो यूश में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिज्नी स्टार ने तेलुगु और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है 20 जनवरी 2024 को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि 5 फरवरी 2024 से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया सलार भागवं से फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक केित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट एग्रीग्रेटर वेबसाइटोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग 5.9 निकल कर आती है 10 में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो है रखता है, है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार प्रशंसकों को इस गान और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकताएं जरूर है इंडिया टूडे की तरफ से जन्नी के ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे सौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विल्ल के एस देवोशंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील के तेलुगु डेब्यू किसी जो है मास्टर से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शानदार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज शो कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार अपने स्टार यहाँ पे स्टार वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग वन, फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा अनुशक रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है सीमित प्रदर्शन ऑफिस और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा रेडीएफ के तरफ से मयूर सनअप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तो को और अधिक जो है महत्वाकांक्षा है और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका के साथ जो है जोड़कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वहीं द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों मीत जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पैंतीश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो यहाँ पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी टी वी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभास और पृथ्वीराज शोक कुमारन के दमदार अभिनय भाग भागवन युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेक के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सलार केवल जो है के के है प्रभास के के प्रशंसकों लिए और उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं यह सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर और टॉक से जो है टॉप यानी कि डॉग हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है हीरो नामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभावित जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से चुप्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है उन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और विजय बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफी आंखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल को कैजा ने लिखा पर ने शानदार वापसी की है इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो सलार वन सलार वन से इस फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल इसका शीर्षक जो सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पर शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में एक दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख 2025 की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि 2023 के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला चले तो आइए दोस्तों अब हम यहां से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौड़ द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में प्रभाष में अभिनय करते हुए नजर आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की रॉन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों महामारी जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छ्यांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाया टेक्निकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और दो की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था, खास तौर पर लेकिन फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो कि नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो प्रभाष के साथ जो जो है है अपने अगले जो है पे के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो चौथी यहाँ पे लगदार फिल्म में रवि बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को शेंकन और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो को मेरे लिए लिखा जाएगा जिसमें पहला उपशीर्षक जो है सिज फायर रखा जाएगा वहीं दोस्तों प्रभास को कास्ट इस फिल्म में प्रभास को कास्ट करने पर नील ने कहा था कि मैं उनकी जो है मासूमियत को मासूमियत को आकर्षित करना चाहता हूं इस फिल्म के अंदर और साथ ही साथ प्रभास जो है अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखते हैं इसी और इसे मासूमियत को बाहर निकालना और इसे जो है स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा मेरे लिए फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वही दोस्तों जबकि जो है प्रभाष ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगल ही भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सुरती हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर सलाह टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों आ, उन्होंने दोस्तों उन्होंने फिल्म में की भूमिका निभाई है जो कि 8 करोड़ यूज में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहाँ पे सूरती हसन दो दिन बाद प्रोडक्शंस में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभास की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभास की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें और के एक दृश्यों फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलाट जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है तकनीकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त 12 अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था ये भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था इसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कदम तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू हुआ था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभाव सूर्ति और फिर जो है विभिन्न जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टर्न कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वहीं दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्हा रेड्डी और विल्टर ब्रिया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ती हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है सहित यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दिर्शा प्रभाव के काम में लगभग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पर लिक को रोकने के लिए जो है सुरती हसन ने अगस्त दो के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफ एक्स शॉट अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है री शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड एस रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल तेरह दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्थी और फिर जो है यहाँ पे गाधोलो साउंड ऑफ यानी कि सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडड जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भागवन से फायर की टीजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को और फिर आई पर रूपों में के रूप से रिलीज किया गया और इसे कॉनॉट हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तिब्रा एक्शन दौ और फिर जो है हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

27 के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे 27 सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और फिर जो है तंग सिनेमा द्वारा संयुक्त तो रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही सिनेमा लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी कि मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमास द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सहित जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बेहतर अधिकारों से 350 करोड़ हासिल किए थे जो यूश में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिज्नी स्टार ने तेलुगु और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है 20 जनवरी 2024 को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि 5 फरवरी 2024 से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस दिया सलार भागवन से इस फायर को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है राजशाही के यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट एग्रीग्रेटर वेबसाइटोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकल कर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो है नॉन स्टॉप एक्शंस को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता है जो कि चीज़ों को तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेठ के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पॉल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार के प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है इंडिया टूडे की तरफ से जन्नी खे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे शौर्यागा और फिर जो है पारवा यानी कि पिंक विल्ल के एस देव शंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील के तेलुगु डेब्यू किसी जो है मास्टर से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शानदार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज शोकुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार अपने स्टार यहां पे स्टार्ट वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग वन फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है, जो है इसकी बॉक्स ऑफिस और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा रेडीएफ के तरफ से मयूर सनप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फॉर्मूला तथ्य को और अधिक जो है महत्वाकांक्षाएं और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका चौन के साथ जो है जोड़कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वही द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों ये मीत जो है तराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो है पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी टी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभाष और पृथ्वीराज शोक कुमारन के दमदार अभिनय सलहार वन युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेख के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह तरफ से सुनील दे ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि खुल सलार केवल जो है के प्रशंसकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं ये सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि डॉग हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है की पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभावित प्रभावित जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आंखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल कुकरेजा ने लिखा प्रभाष ने शानदार वापसी की है इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें सो तो सलार वन सलार वन सीज फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल जिसका शीर्षक जो है सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पे शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में कि रंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख 2025 की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि दो के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो संद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौर द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में प्रभाष कुमार आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की रॉन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और ब्लॉक बास्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवन यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुडा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों हमारे जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छयांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों नील के निर्देशन और उनकी कहानी विश्व निर्माण और उनका चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाकन तकनीकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन नई फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंधताओं में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वहीं नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो कि नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो है प्रभाष के साथ जो है अपने अगले निर्देशन जो है यहां पे उपकर्मों के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों कलाकार दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो चौथी यहाँ पे लगदार फिल्म में रबी बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो रिलीज किया जाएगा जिसमें पहला सिज़ फायर रखा जाएगा वहीं दोस्तों प्रभास को, 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 को साथ अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखते हैं इसी। और इसे मासूमियत को बाहर निकालना और इसे जो है स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा मेरे लिए फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वहीं दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक है, कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगल भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सूर्ति हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों आ, उन्होंने दोस्तों उन्होंने फिल्म में की भूमिका निभाई है जो कि 8 करोड़ यूश में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म में अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज कुमार फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहां पर सूटती हसन दो दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और छुट्टी के एक दृश्यों को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलाट जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है टेक्निकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त अगस्त तक दूसरा चरण भी भी समाप्त हो गया था ये भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कथिक पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चलक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू हुआ था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभात और जो है विभिन्न जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टंट कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वहीं दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्हा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ती हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपाल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है सहित यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दिवस पर भाव के काम में लगभग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं अधिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक के और वहीं पे लिक को रोकने के लिए जो है सूरती हसन ने अगस्त 2023 के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफ अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्थी और फिर जो है यहाँ पे गाधोलो साउंड ऑफ यानी के सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडड जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भागवन से फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर अठारह दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को फिर आई पर प्रारूपों में नाट्य रूप से रिलीज किया गया और इसे कर्नॉड हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तिब्रा एक्शन दू और फिर जो है हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वैश्वों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

सत्ताईस के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे सत्ताईस सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज और फिर जो है परत प्रत्यंग सिनेमा द्वारा संयुक्त तो रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही सिनेमा लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी कि मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन टेली श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमाज द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सहित जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बीत अधिकारों से तीन करोड़ हासिल किए थे जो यूश में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिजनी स्टार ने तेलुगू और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है 20 जनवरी 2024 को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि 5 फरवरी 2024 से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया सलार भागवन से इस फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी टेक्निकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है राजशाही के यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीग्रेटर वेबसाइट उदमान टोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकल कर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो है नॉन स्टॉप एक्शंस को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता है जो कि चीज़ों को तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेट के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पॉल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ऐश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार के प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकताएं जरूर है इंडिया टुडे की तरफ से जन्नी के ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर ए के मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे सौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विल्ल के एस देवोशंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील के तेलुगु डेब्यू किसी जो है मास्टर से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन देशों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज सो कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार अपने स्टार यहां पे स्टार वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग वन सिस्फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा अनावश्यक रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण सीमित जो प्रदर्शन इसकी बॉक्स ऑफिस और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा रेडीएफ के तरफ से मयूर सनप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तो को और अधिक जो है महत्वाकांक्षाएं और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका चौन के साथ जो है कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वहीं द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों ये अमीर जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो है पे शरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी टी वी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभास और पृथ्वीराज शोक कुमारन के दमदार सलार भाग भागवन युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेख के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सलार केवल जो है प्रभास के प्रशंसकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं ये सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि डॉग हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है यहाँ पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभाव प्रभावित जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है उन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आँखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल क्रेजा ने लिखा पर भाष ने शानदार वापसी की है इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो सलार वन सलार वन से फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्ल जिसका शीर्षक जो सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पे शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में कि रंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख 2025 की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि दो के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहां से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौड़ द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में कुमार में अभिनय करते हुए नजर आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की राउंड टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो इसके एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुड्ढा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों महामारी जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो हजार तीस को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों नील और उनकी कहानी विश्व निर्माण और उनका चरित्र चित्रण कलाकारों के एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाकन टेक्निकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कि कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों वही, दो वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो कि नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो प्रभाष के साथ जो जो है है अपने अगले जो है पे के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो चौथी यहाँ पे लगदार फिल्म में रबी बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्जवल जो है कुलकर्णी को और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो भाग

फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वहीं दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगल ही भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सूरती हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों, आ, उन्होंने दोस्तों दोस्तों फिल्म में है कि है जो की भूमिका निभाई तो तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज कुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद राज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी। वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहाँ पे सूर्ती हसन दो दिन बाद प्रोडक्शन में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और शुरू के एक दृश्यों को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलार जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है टेक्निकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त 12 अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था यह भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कथिक तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट त, सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभाव सूर्ति और फिर विभिन्न जो है, जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टंट कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वहीं दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो हजार के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्मा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ति हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है सहित यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दीर्डा प्रभाव के काम में लगभग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पर लिक को रोकने के लिए जो है सुरती हसन ने अगस्त दो के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और हिंदी में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफिक्स शॉर्ट अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर के रिलीज़ की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल तेरह दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्थी और फिर जो है यहाँ पे गादोलस साउंड ऑफ यानी के सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडर जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भाग वन सेज फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर अठारह दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को फिर आई पर रूपों में नाटक रूप से रिलीज किया गया और इसे कॉनॉट हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तिब्रा एक्शन दर्शकों और फिर जो हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

27 के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे 27 सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज मु और फिर जो है पारंग सिनेमा द्वारा संयुक्त तो रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही सिनेमा लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी कि मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन टेली फिल्म श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमास द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सहित जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बीत अधिकारों से 350 करोड़ हासिल किए थे जो यूश में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिजनी स्टार ने तेलुगु और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है 20 जनवरी 2024 को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि 5 फरवरी 2024 से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया सलार भागवन से फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है राजशाही के यथार्थ चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीग्रेटर वेबसाइटोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकलकर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो जो है है नॉन स्टॉप एक्शंस को को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता कि चीज़ों तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेठ के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पोल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है इंडिया टुडे की तरफ से जन्नी खे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्टम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे सौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विल्ल के एस देव शंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील के तेलुगु डेब्यू किसे जो है मास्टर से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शानदार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज शो कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार स्टार्ट अपने स्टार यहां पे स्टार्ट वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग वन, फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा अनुशक रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है सीमित प्रदर्शन इसकी बॉक्स ऑफिस और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा रेडीएफ के तरफ से मयूर सनअप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तथ्य को और अधिक जो है महत्वाकांक्षाएं और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका चौन के साथ जो है जोड़कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वहीं द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों मित जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यह पैंतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो है पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभाष और पृथ्वीराज शो कुमारन के दमदार अभिनय भाग भागवान युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेख के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया पर हमला महसूस करते हैं यह सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि टॉग हीरो बने सुपर यानी हीरो सुपर पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभावित दस्तावेज जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आँखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल क्रेज़ा ने लिखा प्रभाष ने शानदार वापसी की इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें सो तो सलार वन सलार वन सीज फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल जिसका शीर्षक जो सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पे शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में कि रंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख वाल दो की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेसन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि 2023 के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला तो आइए दोस्तों अब हम यहां से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौर द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में हाशन इस फिल्म में में इस अभिनय करते हुए नजर आई थी वही दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो हजार तेईस को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की राउंड टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षों में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुढा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों हमारे जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छ्यांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के संगीत बैकग्राउंड स्कोर्ड छी पहलू और फिर आधुनिक राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वही दो, वहीं दो, वहीं दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और दो की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंध दाओं में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो की नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो है प्रभाष के साथ जो है अपने अगले निर्देशन जो है यहां पे उपकर्मों के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली बार जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हजार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहाँ पे अपनी जो है चौथी यहाँ पे लगदार फिल्म में रवि बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को कर्मश छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो को में रिलीज किया जाएगा जिसमें पहला उपशीर्षक जो है सिज फायर रखा जाएगा वहीं दोस्तों प्रभास को कास्ट इस फिल्म में प्रभास को कास्ट करने पर नील ने कहा था कि मैं उनकी जो है मासूमियत को मासूमियत को आकर्षित करना चाहता हूं इस फिल्म के अंदर और साथ ही साथ प्रभास जो है अन्य अभिनेताओं की तुलना में अधिक मासूमियत दिखते हैं इसी और इसे मासूमियत को बाहर निकालना और इसे जो है स्क्रीन पर दिखाना शानदार होगा मेरे लिए फिल्म के निर्देशन ने कहा डायरेक्टर ने कहा वही दोस्तों जबकि जो है प्रभास ने कहा था कि उनका किरदार बेहद हिंसक होने वाला है कुछ ऐसा जो कि उन्होंने वास्तव में पहले कभी नहीं किया है जैसा इसमें करने वाले हैं बाद में बताया गया था कि वो अपनी जो है भूमिका के लिए अधिक कीट और फिर जो है मानसल हो चुके हैं जो कि आगे ये भी बताया गया था कि दोहरी भूमिका निभाएंगे जिसे जो है बाद में अस्वीकार कर दी अस्वीकार कर दिया गया और फिर इनको सिंगल ही भूमिका में लिया गया फिल्म के अंदर अब इसके बाद से दोस्तों फाइनली 28 जनवरी 2021 को प्रभाष ने सुरती हसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिर टीम में उनका स्वागत किया उन्होंने दोस्तों आ, उन्होंने दोस्तों उन्होंने फिल्म में की भूमिका निभाई है जो कि 8 करोड़ यूश में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों तकरीबन जो है नौ लाख साठ हजार का परिश्रमिक उनको दिया गया भुगतान किया गया फिल्म अभिनय करने के लिए कोची में राधे श्याम के लिए एक प्रेस मीट के दौरान प्रभाष ने खुलासा किया था कि पृथ्वीराज शिव कुमारन फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे इस प्रकार पुलिस पुलिस दो 2010 के बाद पृथ्वीराज की तेलुगु सिनेमा में वापसी होगी वहीं इसके बाद दोस्तों मुख्य फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 27 जनवरी 2021 को तेलंगाना के एक शहर में गोदावरी गुदा, खानी में एक सेट पर शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग जहां पर सूर्ति हसन दो दिन बाद प्रोडक्शंस में शामिल हुई थी कथित तौर पर प्रभाष की विशेषता वाला एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था एक दिन बाद दोस्तों प्रभाष की एक और ऑन सेट तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और फिर वायरल हो गई थी जिससे दोस्तों फिल्मांकन के दौरान ही कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और 8 फरवरी को सिनेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने घोषणा किया था कि पहला चरण समाप्त हो गया है वहीं दूसरा चरण भी 3 अगस्त 2021 को हैदराबाद में शुरू हुआ जिसमें प्रभाष और श्रुति के एक दृश्यों को फिल्माया गया क्योंकि दोस्तों फिल्म निर्माता चाहते थे कि सलाट जो है किसी भी कौन से आगे स्तर पर दिखे और ये जो है यहाँ पे डार्क सेटिंग और इसके अलावा थीम जो है तेकनिकी के माध्यम से शूट की गई पहली जो है भारतीय फिल्म बन गई वहीं बारह अगस्त अगस्त तक दूसरा चरण भी समाप्त हो गया था यह भी रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2022 में प्रभास की फिल्म राधे श्याम की रिलीज के तुरंत बाद जो है फिल्मांकन रोक दिया गया था जिसका मुख्य कारण स्पेन में उनके घुटने की सर्जरी जो है करवाना और बाद में जो है काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी के सेट में जो है शामिल होना भी था मई 2022 तक 30 प्रतिशत जो है फिल्मांकन कदे तौर पर पूरा हो गया था लेकिन फिल्म का तीसरा चरण 24 मई को शुरू होने की सूचना दी गई थी लेकिन इसके बजाय 18 मई को शुरू हुआ और स्टूडियो ने उस दिन एक पर्दे के पीछे का वीडियो साझा किया था सभी के सामने जिसमें जो है चालक दल को एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सेट त, सेट तैयार करते हुए दिखाया गया था वहीं चौथा चरण भी अट्ठाईस जून को हैदराबाद में शुरू हुआ था इस मूवी का इस तरह से दोस्तों शेड्यूल में कथित तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक विशाल सेट बनाया गया था जिसमें दोस्तों प्रभात सूर्ति और फिर जो है विभिन्न जो है यहाँ पे सेनानी थे शामिल थे जिसकी जो है स्टर्न कोरियोग्राफी अनबरीव की जोड़ी ने की थी और वहीं शेड्यूल लंबा भी होगा बताया गया वही दोस्तों फिल्मांकन फरवरी दो के शुरुआत में अंतिम चरण में शुरू हुआ और कई महीनों के अंत तक समाप्त हो जाएगा बताया गया इस चरण में दोस्तों सड़क दल ने जो है लगभग दस करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो वन मिलियन की लागत से समुद्र के बीच में 20 मिनट लंबा एक्शन सीक्वेंस शूट किया वहीं दोस्तों बिरहा सिम्हा रेड्डी और विल्टर ब्रैया के पोस्ट प्रोडक्शंस और फिर जो है रिलीज कार्यों में व्यस्त होने के बाद सूर्ती हसन 10 फरवरी को सेट पर शामिल हुई 23 फरवरी तक अपने हिस्सों का फिल्मांकन पूर्ण किया और मार्च के मध्य में दोस्तों उत्पादन जो है इटली के मटेरा में चला गया था जहां पे फिर जो है फिल्मांकन जो है नेपाल्स और फिर रोम और इसके अलावा बूढ़ा पेस्ट में जारी होगा बताया गया 28 सितंबर 2023 की प्रारंभिक जो है रिलीज की तारीख यहां पे मध्य सितंबर में फिर से शुरू होने के कारण जो है स्थगित कर दी गई लेकिन अक्टूबर के एंड में दोस्तों एक बड़ा युद्ध अनुक्रम जो है फिल्माया गया जिसमें जीप यहां पे टैंक और यहां पे ट्रंक जो है शहीद यानी कि सात से अधिक वाहन शामिल था लेकिन मुख्य फोटोग्राफी लगभग जो है तीन वर्षों में कुल एक कार्य दिवसों के बाद जो है पूरा हो चुका था इस मूवी का इसके बाद दोस्तों फाइनली दिसंबर 2022 में विजय किरंगा दूर ने कहा था कि दीर्शा प्रभाव के काम में लगभग लग जो है छह महीने लगेंगे अगस्त 2023 तक यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शंस का काम जो है कर्नाटक के बसरूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ पे संगीत का रवि बसरूर का स्टूडियो स्थित है वहीं कथिक तौर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और लिक और वहीं पे लिक को रोकने के लिए जो है सूर्ति हसन ने अगस्त 2023 के मध्य में अपने हिस्सों की डबिंग शुरू की और तेलुगु कन्नड़ तमिल मलयालम और हिंदी में ऐसा किया उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपना जो है डबिंग का काम पूरा कर लिया था पृथ्वीराज शिवकुमार दस दिसंबर तक ऐसा ही करेंगे यह भी रिपोर्ट में उस वक्त बताया गया था सितंबर के मध्य में लगभग 600 सौ बी एफ अभी भी लंबी थी क्योंकि दोस्तों जिसके कारण जो है रिलीज शूट के साथ साथ जो है मूल 28 सितंबर की रिलीज की तारीख को स्थगित कर दिया गया था वहीं दोस्तों फिल्म की संगीत जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड इसको रवि बसरो द्वारा रचित किया गया जो कि नील के साथ उग्रम के चैप्टर वन और फिर के चैप्टर टू के बाद उनका चौथा सहयोग है इस फिल्म में और ऑडियो अधिकार जो है डिबो द्वारा अधिग्रहित किए गए थे वहीं दोस्तों सूर्योदय शीर्षक वाला पहला एकल तेरह दिसंबर 2023 को जारी किया गया वहीं तीन और जो है एकल जो है यहाँ पे पार्टी और फिर जो है यहाँ पे गादोलस साउंड ऑफ यानी कि सलार और इसके अलावा बिनारा कर्मस 21 22 और फिर जो है 26 दिसंबर को जारी किया गया जो कि संपूर्ण साउंडेड जो है एल्बम इकतीस दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था YouTube पर इसी तरह दोस्तों जब सलार भागवन सीज फायर की टेजर 6 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था तो इसे 24 घंटों के भीतर ही तिरासी मिलियन से अधिक बार देखा गया था जिसने किसी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म का पहला ट्रैक 1 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था वहीं दूसरा ट्रेलर 18 दिसंबर दो को जारी किया गया था वहीं रिलीज़ के बारे में हम बात करें तो दोस्तों सलार पार्ट वन सीज फायर बाईस दिसंबर 2023 को माना को फिर आई पर परारूपों में नाट्य रूप से रिलीज किया गया और इसे कर्नॉड हिंदी तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ तेलुगु में भी रिलीज किया गया था इस फिल्म को तीव्रा एक्शन हिंदी और फिर हिंसा के कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से ए केवल ए वयस्कों के लिए इसको प्रमाण पत्र मिला है निर्माताओं को यूए जो है माता पिता के मार्गदर्शन और फिर वर्गीकरण की उम्मीद थी लेकिन वह कटौती करने के लिए तैयार ही नहीं थे इस सीन को और फिर क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने अपने नियमों को अपडेट किया था इसीलिए निर्माता ने वैश्विक जो है वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया इससे पहले अगस्त दो में दोस्तों घोषणा की गई थी कि फिल्म फोर्टीन अप्रैल दो को रिलीज होने वाली है जो कि बाद में

सत्ताईस के लिए स्थगित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे सत्ताईस सितंबर 2023 को घोषित की गई थी लेकिन इसे 22 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया 5 जुलाई 2024 को फिल्म जापान में रिलीज हुई जिसने दोस्तों किसी भारतीय फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल किया जापान में वितरण अधिकार के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसे कर्नाटक में प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में मोक्ष मूवीज़ मु और फिर जो है परत और सिनेमा द्वारा संयुक्त तो रूप से रिलीज किया गया वितरित किया गया पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने केरल में फिल्म का वितरण किया तमिलनाडु के वितरण अधिकार जो है रेड ज्वाइंट मूवीज ने हासिल किया ए फिल्म ने उत्तर भारत में सलार का वितरण किया इसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों श्री यहाँ पे श्री शाही शनिमाश लक्ष्मी और इसके अलावा नरसिम्हा श्री यानी की मणिकांठा फिल्म जो है गीता इसके अलावा फिल्म्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ए के एस एन टेली श्री यानी कि वेंग गम्मा जो है सिनेमास द्वारा इसको विकल्प चुना गया था सलाड ने रिलीज से पहले जो है सेटेलाइट डिजिटल और फिर ऑडियो सही जो है यहाँ पे गैर यानी कि थिएटिक जो है बीत अधिकारों से 350 करोड़ हासिल किए थे जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 42 मिलियन कमाए थे वहीं दोस्तों डिज्नी स्टार ने तेलुगू और फिर अन्य डॉप संस्करणों के सेटेलाइट अधिकार हासिल किए जो कि नेटफ्लिक्स ने पांच भाषाओं के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल किया फ़िल्म का प्रीमियर जो है नेटफ्लिक्स पर जो है बीस जनवरी दो को तेलुगु और तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में किया गया था जो कि फ़ाइव फरवरी दो से अंग्रेजी डब संस्करणों की स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी गई थी वहीं पर इसके अलावा दोस्तों क्यूटेक्स के बारे में हम बात कर ले तो क्यूटेक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस दिया सलार भागवं से इस फायर क्लोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली जिसमें नील के निर्देशन कहानी और दुनिया के निर्माण चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस संगीत बैकग्राउंड स्कोर यहाँ पेनेटोग्राफी तेकनीकी पहलू और फिल्म में यहाँ पे आधुनिक जो है के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई हालांकि फिल्म को इसकी गति पहले भाग और नील की अन्य फिल्मों जैसे जो है ओग्रम और फिर के के साथ इसकी जो है समानता के लिए आलोचना मिली है समीक्षा करते हुए एग्रीग्रेटर वेबसाइटोज पर बाईस आलोचकों के तरफ से तिहत्तर छह सकारात्मक थे, जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नाइन निकल कर आती है दस में से वहीं दोस्तों वेबसाइट की आम सहमति है कि सलार भाग वन सी अपने जो है नॉन स्टॉप एक्शंस को अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों के साथ आगे बढ़ाता है जो कि चीज़ों को तब भी आकर्षक बनाए रखता है जब सेठ के टुकड़े भारी पड़ने की धमकी देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पॉल निकोडेम्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है ये भव्य और महाकाव्य कथाओं के ईश्वर वाले लोगों के लिए एक रोमांचक घड़ी पैदा करता है जो कि प्रभाष और पृथ्वीराज शिव कुमार के प्रशंसकों को इस गहन और फिर जो है मनोरंजन फिल्म में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ये एक ऐसी फिल्म है जो कि दोस्तों अपने पैमाने से मनोरंजन और फिर जो है प्रभावी करेगी लेकिन शुरुआती चरणों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता जरूर है इंडिया टुडे की तरफ से जन्नी खे ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलार भाग वन सिक्स फायर एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो प्रभाष के स्टार्डम का जश्न मनाता है अब दोस्तों सलार के लिए तैयार हो जाइए जो कि सलार भाग टू यहाँ पे शौर्यागा और फिर जो है पारवम यानी कि पिंक विल्ला के एस देव शंकर ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील की तेलुगु डेब्यू किसी जो है मास्टर पीस से कम नहीं है इन्होंने इस फिल्म को मास्टर से कम नहीं बताया एक विजुअल यहाँ पे तमाशा के तौर पे बताया है। फिल्म यहाँ पे अंतर्निहित कहानी और नाटक से ध्यान हटाए बिना जो है शानदार कोरियोग्राफी किए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रशंसकों को बांध रखती है पृथ्वीराज कुमारन सहित जो है जब उन्होंने कहा था कि सलाट जो है अपने मूल में एक नाटक वाली फिल्म है जो कि नाटक निश्चिंत रूप से जो है काम करता है और फिल्म निर्माता ने अपने स्टार स्टार अपने स्टार यहां पे स्टार वाले जो है कलाकारों की मदद से इसे पार्क से बाहर कर देता है बॉलीवुड हंगामा ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है कुल मिलाकर सलार भाग वन फायर में यहाँ पे सिटी बजाने लायक क्षण है जो कि जनता को पसंद आएंगे देखने पर हालांकि अत्याधिक जो हिंसा रूप से जो है जटिल दूसरा भाग और यहाँ पे डंकी के कारण जो है सीमित प्रदर्शन और फिर जो है संभावनाओं को कुछ हद तक जो है प्रभावित करेगा के तरफ से मयूर सनअप और फिर जो है नेफिल्स ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है प्रशांत नील ने के के सभी जो है यहाँ पे फार्मूला तत्व तो को और अधिक जो है महत्वाकांक्षाएं और टेक्निकी जो है यहाँ पे चका के साथ जो है जोड़ कर आगे बढ़ाया है जो उनके पागलपन भरे जो है विजन को बनाए रखता है वहीं द हिंदू की तरफ से संगीता देवा संगीता देवी देवा यहाँ पे लिखते हैं कि सलार को बड़े पैमाने पर एक्शन मनोरंजन के प्रेमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है लगभग हर यहाँ पे किरदार के साथ बहुत अधिक निर्माण किया गया है वहीं माँ यानी कि लम्मा रामा और फिर जो है अपने व्यवसायी जो कि अपनी जो है बेटी यानी कि आधा बच्चों और फिर जो है कई यहाँ पे सहयोगियों के लिए जो है डरता है वहीं दोस्तों ये मीत जो है अंतराल पर जो है देवा के बारे में यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण बातें किया गया जो कि एक बिंदु पर मैं चाहता था कि फिल्म जो है सीधे मुद्दे पर आए और हमें जो है बताए कि इसे क्या यानी कि उग्र और फिर जो यहाँ पे सरदार जो है सरदार क्या यहाँ पे बनाते हैं इस फिल्म को इसके बाद दोस्तों एनडीटीवी टी की तरफ से सेवल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया इन्होंने लिखा है प्रभास और पृथ्वीराज शोक कुमारन के दमदार अभिनय सलहार भागवान युद्ध विराम के मुख्य आकर्षण है फिल्म की बाकी जो है अपील यहाँ पे बेलगाम बेलगाम अति रेक के लालच में है इसके बाद दोस्तों न्यूज अठारह की तरफ से सुनील देढ़िया ने इस फिल्म को फाइव में से स्टार दिया इन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सलार केवल जो है प्रभास के प्रशंसकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे इंद्रियों पर हमला महसूस करते हैं ये सिनेमा का एक रूप है लेकिन अगर आपको अपने कानों से प्यार है और एक यहाँ पे अंदर टॉक से जो है टॉप यानी कि डॉग हीरो बने सुपर यानी कि हीरो सुपर हीरोइक जो है की पे कारनामे से आपको पेट भरा गया है तो आप जो है इस फिल्म को एक यहाँ पे संभाव भावित जो है मिस दे सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार रेटिंग दिया है इन्होंने लिखा है सलार टू सलार भाग टू और भी जो है बहुत कुछ वादा करती है क्या हम जो है इसके लिए तैयार है जो कि भाग एक का यहां पे अधिकांश हिस्सा जो है काफ़ी आँखों को चौदह आँखों को चौधिया देने वाला चीज़ों को दिखाता है जो आपको हत्या और फिर जो है तबाही के प्रति जो है सुन कर देता है देखने पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दोस्तों मोनिका रावल कुक, रेजा ने लिखा प्रभाष ने शानदार वापसी की इस फिल्म में और और, और उन्होंने इसमें कमाल का परफॉर्म दिया है वहीं दोस्तों बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो सलार वन सलार वन से फायर ने पहले दिन ही घरेलू स्तर पर पंचानवे करोड़ तक कमाई किया था वहीं दोस्तों इस फिल्म ने दूसरे दिन एक करोड़ तक पहुँच गई थी और वहीं दोस्तों फिल्म का सीक्वल के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल जिसका शीर्षक जो सलार भाग टू रखा जाएगा जो कि यहाँ पे शौर्यागा पारवम है और सक्रिय जो है विकास में है जनवरी 2024 में किरंगा दूर ने पुष्टि किया था कि स्क्रिप्ट तैयार है और सीख 2025 की दूसरी छमाई में रिलीज़ होगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू एक्सप्लेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने सलार फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन किया है जो कि दो के एंड में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी दर्शक ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ की हर एक पहलू को हमने रखा है मूवीज़ की फैक्ट और मूवीज़ की कुछ अननोन बातों को इस वीडियो में हमने बताया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सलार तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलार फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने साल 2023 में रिलीज होने के बाद भारतीय सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था या फिर ब्लॉक हुआ था इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कहानी को रिव्यू करने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे फिल्म की कहानी कैसी है दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सलार फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को बताएंगे साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को रिव्यू करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सलार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म को विजय किरंगा दौर द्वारा निर्मित किया गया है बात करें फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में प्रभाष उनकुन इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आई थी वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को बाईस दिसंबर दो को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और इसी के साथ दोस्तों सलार फिल्म की रॉन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई थी जो की एक बहुत ही लंबी फिल्म हो जाती है वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो सलार फिल्म को बनाने में दो करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म ने सात करोड़ तक कमाई किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ और ब्लॉकबस्टर भी है वहीं दोस्तों फिल्म की शुरुआती कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 से ली गई है कुछ उधार पंतियों को लिया गया और ये दो भाग वाली पहली फिल्म का पहला किस्त है इसे दोस्तों आधिकारिक तौर पर दिसंबर दो में सलार शीर्षक के तहत घोषित किया गया था हालांकि जुलाई दो में आधिकारिक शीर्षक जो है सलार भाग भागवान यानी कि युद्ध विराम के रूप में इस फिल्म को घोषित किया गया था मुख्य फोटोग्राफी इस फिल्म की जनवरी दो में शुरू हुई थी और दो के एंड में लपेटा गया था पहले दोस्तों लगभग जो है गीत यहाँ पे वर्षो में कई चरणों के छिटपुट रूप से जो है इसको शूट किया गया फिल्म के गाने को लेकिन फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना इटली और फिर जो है बुढ़ा पेस्ट शामिल था जहाँ पे इस फिल्म को शूट किया गया है लेकिन दोस्तों हमारे जो है रीशूट और फिर जो है बी एफ एक्स में देरी से लेकर जो उत्पादन की कठिनाइयों ने सलार की रिलीज की तारीख को कई बार टाल दिया वहीं दोस्तों बता दें भुवन गौडा द्वारा संभाला गया है इस फिल्म के छयांकन को और फिर उज्ज्वल जो है कुलकर्णी जी द्वारा भी संभाला गया है सलार फिल्म को सीधे जो है बाईस दिसंबर दो हजार तीस को मानक और आईमिक्स प्रारूपों में आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसमें दोस्तों नील के निर्देशन और उनकी कहानी विश्व निर्माण और उनका चरित्र चित्रण कलाकारों के प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और फिल्म की संगीत बैकग्राउंड स्कोर छाकन टेक्निकी पहलू और फिर आधुनिक जो है समय की राजशाही के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की गई थी यह एक व्यावसायिक सफलता फिल्म थी जिसने दोस्तों दो करोड़ के बजट पर बनी थी और सात करोड़ से अधिक की कमाई किया ये 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक बन गई है और अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों वही दोस्तों पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है और 2023 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है यह मूवी इसी के साथ दोस्तों फिल्म के उत्पादन के बारे में हम बात करें तो अगस्त 2020 में प्रभास ने नील की पहली फिल्म उग्रम मूवी 2014 देखने के बाद अपनी अगली फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रशांत नील से संपर्क किया था खास तौर पर लेकिन नई फिल्म का निर्माण 2022 में शुरू होने वाला था क्योंकि दोनों ही उस समय पूर्व प्रतिबंधताओं में व्यस्त नजर आए थे प्रभाष राधे श्याम फिल्म कर रहे थे और आदि पुरुष की शूटिंग भी कर रहे थे वही नील के चैप्टर टू बना रहे थे जो की नवम्बर में नील को एन राम राव जूनियर या फिर जो प्रभाष के साथ जो जो है है अपने अगले जो है पे के लिए जल्दी ही उत्पादन जो है शुरू करने की सूचना मिल चुकी थी लेकिन फाइनली दो दिसंबर को होमले फिल्म ने घोषणा किया था कि नील अगली बार प्रभाष के साथ एक तेलुगु भाषा की फिल्म नील की पहली पर जो है सहयोग करने के लिए जिसका शीर्षक जो सलाह रखा गया है उन्होंने इसका खुलासा किया था अब इसके बाद से दोस्तों पंद्रह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था नील के साथ यहां पे अपनी जो चौथी यहां पे लगदार फिल्म में रवि बसरूर को स्कोर बनाने के लिए चुना गया था जबकि दोस्तों भुवन गौडा और उनके अलावा उज्ज्वल जो है कुलकर्णी को और छप्पादन संभालने के लिए संपर्क किया गया था एक यहाँ पे भाग वाली फिल्म होने की शूटिंग जो है आठ जुलाई दो को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा किया था कि सलार को दो में रिलीज किया जाएगा जिसमें पहला उप शीर्षक सिज